नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, यदि आप अपने मकान का निर्माण करवा रहे हैं और किसी आर्किटेक्ट आदि के पास में भी आप जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, क्योंकि आप किसी के पास जाते हैं तो आपके लिए भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। यदि आपके लिए कुछ भी नॉलेज नहीं है तो फिर आदमी को जितना नॉलेज होगा उस हिसाब से वो बना करके दे देता है, लेकिन आपका नॉलेज भी, आपके भी, आपको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो इन्हीं के चलते हम वास्तु से संबंधित बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं, जिससे कि जो लोग अपने ग्रह का निर्माण करवा रहे हैं उनको लिए बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो सके व असुविधाओं से वो बच सकें। तो आज हम आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं कि आप अपने मकान में भोजन कक्ष बनवा रहे हैं तो भोजन कक्ष की दिशा कहाँ होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भोजन कक्ष आपका जो है ना, हमेशा पश्चिम दिशा में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पश्चिम दिशा में आपको भोजन का कक्ष रखना चाहिए, जहाँ पर बैठ करके आप भोजन करते हैं वह पश्चिम दिशा में होना चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा में दूसरा विकल्प है। यदि आपके पास में ऐसी जगह नहीं है तो उत्तर या पूर्व दिशा में भी आप भोजन का कक्ष बना सकते हैं। भोजन का कक्ष किसे कहते हैं, जहाँ पर कि बैठ करके आप भोजन करने के लिए जा रहे हैं। दक्षिण दिशा में कभी भी आपको भोजन कक्ष नहीं बनाना चाहिए। यहाँ बनाने से आपके घर में ग्रह कलेश होगा, बीमारियों का जो है तांता लगा रहेगा। तो दक्षिण दिशा में कभी भी, क्योंकि यह यम का स्थान होता है, यहाँ कभी भी आपको भोजन कक्ष नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक ही मंजिल पर आपका जो है भोजन कक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रसोई घर नीचे और भोजन आप ऊपर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस जगह पर आपका रसोई घर है उसी मंजिल पर आपका जो है भोजन कक्ष होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। कई जगह क्या होता है कि रसोई कक्ष नीचे होता है और ऊपर जो है सीढ़ियों से जा करके फिर खाना परोसते हैं, तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। भोजन कक्ष एक ही जगह पर, एक ही मंजिल में होना चाहिए। दरवाजा जो है आपका पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर खुलना चाहिए। भोजन कक्ष का जो दरवाजा है वो पूर्व की ओर या उत्तर की ओर आपका की दिशा में खुलना चाहिए। खिड़कियाँ भी जो है उत्तर या पूर्व की ओर खुलना चाहिए। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखें भोजन कक्ष बनवाते समय कि आपके घर में यदि मान लो मंदिर है तो मंदिर के ऊपर या नीचे कभी भी भोजन कक्ष ना बनवाएं। भोजन कक्ष जो है मंदिर के ऊपर या नीचे नहीं बनवाना चाहिए। शौचालय के ऊपर या नीचे भी कभी भी भोजन कक्ष नहीं बनवाना चाहिए। और उसकी जो खिड़कियाँ हैं वो शौचालय की तरफ नहीं होना चाहिए। शौचालय या मंदिर की दीवार से सटा हुआ आपका भोजन कक्ष नहीं होना चाहिए। भोजन कक्ष में आपको प्रकृति के जो है आपके सुंदर से आपको चित्र लगाना चाहिए। प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए आपको चित्र लगाना चाहिए। और कर्टेन इत्यादि यदि आप लगा रहे हैं और उसमें कलर कर रहे हैं तो ग्रीन, नारंगी या गुलाबी रंग का मतलब आप उसमें रंग करवा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद और काले रंग से आपको बचना चाहिए। सफ़ेद व काला रंग आपको कदापि उसमें नहीं रखना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने आपको कुछ थोड़ी सी सूक्ष्म जानकारी दी कि आपका भोजन कक्ष कहाँ पर होना चाहिए यदि आप मकान का निर्माण करवा रहे हैं। तो हमारे जो वीडियो, हम कम से कम 10-15 वीडियो इसके संदर्भ में, पूरे वास्तु के संदर्भ में डाल रहे हैं, हो सकता है कुछ ज़्यादा भी हो जाए। तो आप यदि बनवा रहे हैं तो इन पूरे वीडियो को आप एक बार सबको सुने और उसके आधार पर फिर आप यदि भोजन अपने मकान का निर्माण करवाते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसमें रहने में आपके लिए जो है बहुत ही सहूलियत रहेगी, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। क्योंकि वास्तु के आधार पर यदि मकान नहीं बना होता है तो वहाँ नाना प्रकार की कठिनाइयाँ व्यक्ति के लिए जाती हैं। तो इन्हीं कामनाओं के साथ में मित्रों, कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नित्य जो वीडियो आते हैं
वो आपके पास तक आसानी से पहुंच सके और आपके लिए सारी जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। हमें आज्ञा दें। नमस्कार मित्रों, यदि आप अपने जीवन में परेशान हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी आपके जीवन में समस्या चली आ रही है, आपके बच्चे या बच्ची की शादी नहीं हो रही है या आपकी स्वयं की शादी नहीं हो रही है, आप पढ़ने के बाद आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका चलता हुआ व्यापार बंद हो गया है या आपके ऊपर किसी ऊपरी हवा का प्रभाव है, किसी ने कुछ कर दिया है, कोर्ट कचहरी से आप परेशान हैं, यानी जीवन से जुड़ी हुई समस्त आपकी जो भी समस्या हैं उनके समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का जो तरीका है वो ये है कि हमारे जो चैनल है उस पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए रहते हैं, दो नंबर उस पर हमारे फ्लैश होते रहते हैं, उन नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय AM है या PM है, और जन्म स्थान, यदि जन्म स्थान छोटा है तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस लिखें, वो आप लिख करके भेजें, और आप क्या जानना चाहते हैं उसको यदि आप लिख करके भेजेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम आपको बताएंगे, उनके साथ भी आपको उनके उपाय बताएंगे। उसका तरीका ये है कि आप जब ये लिख करके भेजेंगे तो हम अपना अकाउंट नंबर आपके लिए देंगे, जिसमें आपके लिए 1100 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। एक कुंडली देखने का हमारा जो चार्ज है वो 1100 रुपया है। मित्रों, अभी हमने कंसेशन किया हुआ है, कुछ लोगों के विशेष आग्रह से ऐसे हमारा जो चार्ज था वो 3100 रुपया है एक कुंडली देखने का, यानी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का, लेकिन अभी वर्तमान में हमने कुछ समय के लिए इसको फीस को घटा करके 1100 रुपया कर दी है। तो 1100 रुपया हमारा चार्ज है एक कुंडली देखने का। दो कुंडली दिखाना चाहते तो उसका डबल हो जाएगा, तीन कुंडली दिखाना चाहते तो उस प्रकार से वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप दिखाना चाहते हैं तो 1100 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा, उसके पश्चात हम आपको मैसेज करेंगे कि आप इतने समय हमसे टेलीफोन के माध्यम से बात कर लें। आप यदि हमसे रूबरू बात करना चाहते तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आप हमसे बात कर सकते हैं, तो उस समय हम आपकी कुंडली के माध्यम से कि आपकी कुंडली में क्या है उस सब सारी चीज़ों का विवरण आपके लिए बताएंगे और कुछ उपाय भी आपके लिए बताएंगे। तो इस प्रकार से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके पश्चात यदि आप हमसे कुंडली बनवाना चाहते तो ये हमारे कुंडली का नमूना, इस प्रकार से हम कुंडली बनाते हैं। ये कुंडली जो है इसमें जो कंप्यूटर से जो पेज निकलते हैं ये अलग है, लेकिन इसके अलावा हम इस प्रकार से हाथ से लिख करके देते हैं पूरे नवग्रह का, ये अलग अलग पन्नों में पूरे नवग्रह का हम लिख करके देते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है और वह ग्रह आपके लिए क्या फल देने के लिए जा रहा है, कौन सी दशाएं जब आपकी चलेंगी तो वो दशा आपका क्या फल देगी, और इसके पश्चात इसमें जो है हम पूरा देते हैं कि आपके बच्चे की या जिसकी कुंडली बना रहे हैं उसका अध्ययन कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में उसको डालना चाहिए, उसका भाग्योदय कब होगा, उसके विदेश आदि के योग हैं कि नहीं, उसका जीवन कैसा होगा, उसके जीवन में किस प्रकार की कोई भी बीमारी आ सकती है, और इसके पश्चात में काल सर्प दोष है कि नहीं है, मांगलिक कुंडली है कि नहीं, ये सब पूरा विवरण हम ये पूरा लिख करके देते हैं। तो इसका पूरा जो हमारा चार्ज है वो 3100 रुपया है, प्लस जो आपका पोस्टेज चार्ज है, यानी हम यदि आप उसको हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से भेजना आप लेना चाहते हैं तो उसका जो चार्ज है वो अलग होता है। तो इसकी भी वही प्रक्रिया है कि आप व्हाट्सएप पर अपना पूरा डिटेल भेजें और उसके पश्चात हमारे अकाउंट नंबर में आपको 3100 रुपये जमा करना पड़ेगा, प्लस कुरियर चार्ज जो भी होगा 150-200 रुपया वो आपको जमा करना पड़ेगा। उसके पश्चात यह कुंडली हम जो है आपको बना करके आपके घर के एड्रेस पर भेजेंगे, उसको आपको अपना घर का एड्रेस भेजना पड़ेगा, उसका जो चार्ज है इसमें जो समय जो लगता है कुंडली बनाने में कम से कम 20 से 25 दिन का समय लगता है, उतना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, 20 से 25 दिन के पश्चात यह कुंडली आपके लिए प्राप्त होगी। तो इस प्रकार की हम कुंडली भी बनाते हैं। तो आपको यदि हमसे संपर्क करना है तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से आप चाहें कि फ्री में कोई बता दें तो फ्री में नहीं बताएंगे, उसका हमारा चार्ज होता है, आपको 1100 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा, और यह सुविधा हमने कुछ समय के लिए दी है, ये 2020 के लिए हमने यह सुविधा की, यानी एक वर्ष तक हम यह सुविधा आपके लिए प्रदान करेंगे। और जो कुंडली का चार्ज है उसमें भी हमने 2000 रुपया कम कर दिया, 5100 की जगह हमने 3100 रुपया कर दिया है, तो इसका आप लाभ निश्चित रूप से ले सकते हैं। तो मित्रों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी रूप से आप परेशान हैं तो निश्चित रूप से आप हमसे संपर्क करें। आपका दिन मंगलमय हो। हमें आगे